मैं आज उद्धव ठाकरे को सोलापुर की अजीम सरजमीन से पैगाम देना चाहता हूं कि जैसा हमने औरंगाबाद में कामयाबी हासिल की अल्लाह के फजल करम से, इंशाअल्लाह ताला सोलापुर में भी अल्लाह हमको कामयाब और कामरान। रहा सवाल मुझे सांप कहने का, तो मेरी अम्मा मेरे को सांप नहीं समझती, अपना बेटा समझती। उनको नापों में रहने की आदत है, चाहे इसलिए उनके हर चीज साफ नजर आता है, मगर मुझे लगा है क्योंकि उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की चालाकी का मुकाबला नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे मोदी से डरते हैं, इसलिए मोदी के पास भी दाढ़ी है, तो वो दाढ़ी वाले का गुस्सा ये दाढ़ी वाले पे निकालते हैं। मैं उद्धव ठाकरे से कहना चाहूंगा कि आप अपना गुस्सा उधर निकालना, इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, उधर ही निकालो। आपको आपकी पार्टी को, आपके बेटे को सीएम बनना है नहीं बनना है, उधर हमारे को सिर्फ सोलापुर की असेंबली सीट से मतलब, और हम यहाँ से कामयाबी हासिल करके रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इनके इस तरह के वाहियात बयानात से ना हमारे दिलों में कोई गुस्सा, ना हमारे दिमाग में कोई नफरत पैदा होगी, बल्कि हम पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ ऐसे फिस्ताई ताकतों का हमारे बुजुर्गों ने तरीके से इनसे पंजा आजमाई करें। और मैं बीजेपी और शिवसेना कांग्रेस को बताना चाह रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी मुकाबले के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं मुकाबला करता रहूंगा, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की चाबी किसी हुकूमत के पास नहीं है, मेरी जिंदगी की हयात सिर्फ अल्लाह के पास है। और जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं आप तमाम से वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी किसी तरह दीवानगी से बोलता रहेगा। मेरी दीवानगी क्या है कि मेरे जिंदगी का मकसद एक ही है कि मजलूम आवाम में इत्तेहाद पैदा हो जाए। मैं क्यों महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में मारा मारा फिरता हूँ, इसलिए फिरता हूँ कि मेरी जिंदगी के ये साल खत्म होते जा रहे हैं और नहीं मालूम कि कब मुझे वक्त वापसी का ऐलान हो जाए। मेरा मकसद एक ही है कि अल्लाह ने जो मुझे मुकाम दिया, जो इज्जत दी, अल्लाह ने मुझे जो कुछ भी सलाहियतें दी, मैं उसका सही इस्तेमाल करूँ। और उसका इस्तेमाल यही हो सकता है कि आप लोगों को मैं जाकर आपसे गुजारिश करूँ, आपके हाथ पकड़कर, आपके अपने सीने से लगाकर आपसे अपील करूं कि खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। याद रखो, ये जो हमारे मुल्क में ये जो बादल, काले बादल मंडला रहे हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये काले बादल छटेंगे, मगर कैसे छटेंगे? सिर्फ हमारे जज्बाती नारों से नहीं, हमारे आंख से बहते हुए आंसू से नहीं। यकीनन अगर हमारे दिल से एक आवाज निकलेगी और हम तमाम मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इन काले बादलों को अपने ताकत खून के बिना पर इस काले बादलों को हटाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला एक नई रोशनी सोलापुर से जो फारूक की कामयाबी से निकलेगी, वो पूरे महाराष्ट्र के आवाम को उम्मीद बांधेगी। मेरे दिल से आप तमाम से गुजारिश है कि अपना एक एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। रहा सवाल ये कांग्रेस पार्टी का, मेरे भाई अजीबोगरीब है, दो दिन पहले कांग्रेस के सदर राहुल गांधी आए थे, और जो कल जो धारावी में जलसा हुआ, मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि कम से कम 25,000 लोग उस जलसे में, और जब कांग्रेस के सदर आए 3 या 4,000 लोग भी नहीं। तो आवाम खुद अब जान चुकी है कि ये जो पार्टी है, देखिए, अगर आप मेडिकल शॉप में जाते दवा लेने के लिए,
तो दवा कौन सी देता आपको जिसकी एक्सपायरी डेट खत्म नहीं हुई? कांग्रेस पार्टी की जो दवा है वो एक्सपायरी डेट हो चुकी है, तो इनकी दिखने में दवा जो है बड़ी कीमती है, मगर मेरे पास जो माजून है बड़ा सस्ता है। अब माजून क्या होता है हकीम से पूछ लो आप। तो हमारी दवा महंगी नहीं है, कांग्रेस की दवा बहुत महंगी है, शिवसेना की दवा बहुत महंगी है, बीजेपी की दवा बहुत महंगी है। हमारे पास एक ही गोली है और उस गोली का नाम है तकबीर अल्लाहु अकबर। वो गोली हम खा लिए पूरे अमराज निकल जाते, वो गोली को हम जबान पे ला लिए तो तमाम इफलास बीमारियां दूर हो जाते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, एक नौजवान को मौका दीजिए जो जस्तजू कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और मैं जो इनको देख रहा हूँ, इनसे गुफ्तगू करता हूँ, तो मेरा विजदान मुझसे कह रहा है कि अगर अल्लाह इनको कामयाब करेगा आपके वोट और दुआओं से, तो यकीनन ये सोनपुर में तमाम लोगों की खिदमत करेगा। और आपको भी जरूरत है आपके मेले की, हमारे बहुत से मसाइल हैं, हमने बल्दिया इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, अब हमको आगे बढ़कर यहाँ से अपना एक विधायक को, अपने मेले को कामयाब और कामरान करना है। मेरी आप तमाम से फिर से गुजारिश है कि 21 तारीख के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलिए। हमारे वजीर आजम है नरेंद्र मोदी है, मेरे भाई आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान के वजीर आजम हर जगह जहां पर जावे, और आज तकरीर करके कहीं पर बोले कि जो 370 की मुखालिफत कर रहा उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। नरेंद्र मोदी साहब सोलापुर में पानी किया रहा, कहाँ डूबेंगे हम? पानी नहीं है ना, इतना बड़ा तालाब में पानी आया, आप पानी लाओ हम डुबा देते शिवसेना बीजेपी को इंशाल्लाह। पूरा बारिश हुई तालाब में पानी भरा नहीं भरा, 5 दिन में ओनली 1 टाइम पानी आप, और आप बोल रहे चुल्लू पर पानी। अरे चुल्लू पर पानी रहा तो पी लेंगे, डूबेंगे कहीं को उसमें? आप जरा गौर करो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के 5.5 साल में आप नौकरियां नहीं दिए। अब महाराष्ट्र की सरकार ये बोलती है कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या 5 साल से क्या मेहंदी लगा के बैठे थे आप लोगों को? नौकरियां क्यों नहीं दिए? गरीब बच्चों को चाहे किसी मजहब का रहने दो, नहीं दिए। नरेंद्र मोदी बोलते मैं 3 तलाक का कानून बनाया, दम है तो वापिस लेके आओ। हिंदुस्तान के वजीर आजम हम आपको फिर से बताना चाह रहे, यकीनन आप बहुत होशियार हैं और चालाक हैं, महाराष्ट्र या हिंदुस्तान के मुस्लिम अखिलियत का मसला 3 तलाक नहीं है। अगर आपकी पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करी है तो फिर आप महाराष्ट्र के मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं देते? आरक्षण दीजिए ना, जब आला जात के मराठों को आरक्षण मिल सकता है तो एक गरीब एक पसमानदा कौम जिसके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, जिसके बच्चियों का सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, हमारे मुस्लिम अकलियत के इलाकों में ड्रेनेज का पानी का इंतजाम नहीं है, गवर्नमेंट के स्कीमों में हमको जाती घर नहीं मिलते, गवर्नमेंट के ऑफिस में आपको मुस्लिम मुलाजिमत में कोई मुसलमान मुलाजिम नजर नहीं आता, महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम IAS ऑफिसर नहीं है, महाराष्ट्र में 2 या 3 मुस्लिम IPS ऑफिसर है, ग्रुप 1 और ये तमाम लोग कहाँ है? मगर हमको आरक्षण नहीं देते आप, और बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते सबका साथ सबका विकास। मेरे भाई याद रखिए, ये लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम अकलियत को कुछ करना है तो बुला के 50,000 रुपए दे दो, एक उर्दू का मुशायरा कर दो। यकीनन उर्दू का मुशायरा होना चाहिए, मगर उर्दू का मुशायरा गरीबों को मुस्लिम अकलियत को ताकतवर नहीं बना सकता। आरक्षण रिजर्वेशन मुसलमानों को एम्पावर कर सकता है, मगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी मुसलमानों को एम्पावर करना नहीं देखना चाहती, वो ताकतवर नहीं देखना चाहती, वो नहीं चाहते कि मुस्लिम अकलियत के गरीब बच्चे, वो 55 जात बरादरियों के बच्चे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बने, कभी कलेक्टर बन जाए, कभी सोलापुर के पुलिस का कमिश्नर बन जाए, कोई SP बन जाए, कोई DSP बन जाए, कोई RDO बन जाए, कोई तहसीलदार बन जाए। वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम अकलियत को सिर्फ अपने गुर्बत में उनको उलझा कर रखो, इनको पिछड़ा रखो, इनको कमजोर रखो। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम को बताना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मुस्लिम अकलियत की आबादी 12% के करीब है, 1.5 करोड़ की आबादी है, अगर महाराष्ट्र को ताकतवर बनना है
तो आप इन गरीबों को पिछड़ा नहीं रख सकते, इनको आपको उनका मुकाम दिलाना पड़ेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम आरक्षण का मुतालबा करती है और करती रहेगी। इस इलेक्शन में कामयाबी के बाद ही जब आप अपने वोटों से मजलिस के नुमाइंदों को एमएलए बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे तो वहां पर फारूक साहब और दीगर हमारे एमएलए मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई को जारी और सारी रखेंगे। इसलिए भी आपको मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आप अंदाजा लगाइए कि नौकरियां कहीं नहीं मिल रही है, गरीबों को नौकरी नहीं मिल रही, तो मोदी की कैबिनेट का एक मंत्री आकर कहता है कि 2 अक्टूबर के दिन तीन पिक्चर रिलीज हुई तो उन्होंने बोलते कि 120 करोड़ का धंधा किए, 120 करोड़ का धंधा करे तो बोलते हिंदुस्तान के इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई। अरे हम आपसे पूछना चाहते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी के नाम पे पिक्चर आई, वो फ्लॉप हुई हिट हुई? मेरे ख्याल से बेचारा 1 करोड़ 2 करोड़ का धंधा नहीं कराऊंगा। और आप बोल रहे कि 3 पिक्चर, आप अंदाजा लगाइए कि कैसे गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बड़े बड़े माहिरीन कह रहे हिंदुस्तान की इकोनॉमी अब डुकमुक है, डुलमुल है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आवाज को मजबूत करें। और मैं आपसे अपील भी कर रहा हूं कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लिए, उसके फैसले के लिए अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह सुभाना व तआला इंसाफ करा दे, दुआ करिए कि अल्लाह सुभाना व तआला हमको हमारा हक लौटा दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कई इंडिया के लोग मुझसे पूछते हैं ये बाबरी मस्जिद और मंदिर के बारे में बोलो, मैं उनसे इतना ही कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा और हम देखेंगे फैसला क्या देंगे, फैसला क्या आता हम भी देखना चाहते हैं। क्योंकि हकीकत तो यह है कि जब 28 और 29 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई थी, उस वक्त एक कलेक्टर थे, उनका नाम ओपी नैयर था। आपको मालूम वो नैयर कलेक्टर क्या किए, बंद कर दिए। और उसके बाद उस वक्त बीजेपी से पहले एक जनसंघ थी, जनसंघ ने उनको अपना एमपी बनाकर पार्लियामेंट भेजा। 1986 में ये कांग्रेस के राजीव गांधी की हुकूमत थी। पूछो शिंदे साहब से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कल मेरे पे केस फाइल कर दो आप। क्या किए 1986 में जो जज साहब, सुनो, जो जज साहब जजमेंट लिख रहे थे, उन्होंने कैसा जजमेंट लिखे ताले खोलने का? उन्होंने कागज नहीं देखे, उन्होंने क्या देखे कि मेरे दफ्तर के दीवार पर एक बंदर बैठा हुआ है जो किसी से खाना नहीं खा रहा। फिर वो बंदर उनके घर के दीवार पर दिखा गए थे, उनको उन्हें खाना नहीं खा रहा, तो उन्होंने समझे ऊपर वाले से इशारा आ गया, इसलिए मैं कुफर बोल दिया। मैं भी बोलूं कि मेरे घर पे आके मोर बैठा, मेरे को बादशाह बनना है तो हिंदुस्तान का बना देते मेरे को आप। ये अदालत है क्या, बोलो आप कि घर मेरे ऑफिस पे मेरे घर पे बंदर बैठा तो मैं समझ गया कि प्रभु से कुछ फरमान आया है। अरे हर कोई ये बोलेगा कि नहीं, मेरे ख्वाब में शेर आया था और बोला कि तू शेर बन जा, तो बन जाते क्या? अब ऐसा फैसला आया, इसीलिए हम देखना चाह रहे फैसला क्या आएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसले मसाइल हैं, मगर एक ही हल है, याद रखो आप, नाइंसाफी का और अपनी आवाज को मजबूत बनाने का, इज्जत का मुकाम हासिल करने का, हिंदुस्तान की सियासत का एक ही पैगाम है कि अपने वोटों से अपने पार्टी के नुमाइंदों कामयाब करो। और मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि 21 तारीख के दिन आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मंजूस को कामयाब करेंगे। क्या आप तमाम मुझसे वादा कर रहे हैं कि 21 तारीख को मंजूस को वोट देंगे इंशाल्लाह? आप अपना वोट डलाएंगे भी, डलवाएंगे भी, और सबको तरगीब भी करेंगे और घर घर जाकर बोलेंगे ओनली मंजलिस, ओनली मंजलिस, ओनली मंजलिस। और फिर इंशाल्लाह ताला सुबह उठते की जरा नमाज फजर पढ़ के जरा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, खाली सा लेके ये जिसम ताजा हो जाएगा। और दबा के जाइए पोलिंग बूथ को, अपनी माँ को, अपने घर वालों को, जयीफ लोगों को लिख जाइए। नौजवानों, मोटरसाइकिल पर फिरने की जरूरत नहीं है, पहले अपना वोट डालो, उसके बाद घर वालों का वोट डालो, उसके बाद फोन खोल के व्हाट्सएप पे मैसेज डालते रहो, जाके वोट डाल, पतंग को डाल, पतंग को डाल, पतंग को डाल, पूरा व्हाट्सएप फैला था, जाओ वोट डालो, वोट डालो। एक एक वोट पड़ेगा तो यकीनन हमारे उम्मीदवारों की कामयाबी होगी। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नांदेड़ जाना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।